अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आतंकवादी संगठन चलाने वाले लोग अब जब एक देश को चलाएंगे तो किसके दम पर चलाएंगे। जाहिर है बंदूक के दम पर, और तस्वीरें आपके सामने थी। अमेरिका ने तो ऐलान कर दिया कि उसने अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला ले लिया है और वो जल्द ही अफगानिस्तान से पूरी तरह से निकल जाएगा। लेकिन उन अफगान नागरिकों का क्या होगा जो अपने ही देश में अनाथ होकर रह गए हैं और अन्य देशों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। कई देशों ने अफगान नागरिकों को अपने यहां पनाह देने की सहमति दी है, लेकिन सीमित संख्या में। अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तजाकिस्तान ने 1,00,000 अफगान शरणार्थियों को अपने यहां पनाह देने का फैसला किया है। अमेरिका ने दावा किया है कि वो अब तक 1,00,000 से ज्यादा अफगान नागरिकों को काबुल से निकाल चुका है। ब्रिटेन ने 20,000 अफगान शरणार्थियों को शरण देने का फैसला किया है, लेकिन उसकी प्राथमिकता महिलाएं और बच्चे होंगे। कनाडा में 20,000 अफगानी पहले ही पहुंच चुके हैं। जर्मनी भी 10,000 शरणार्थियों को पनाह देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अफगानिस्तान का संकट इतना बड़ा है कि सिर्फ कुछ लाख अफगानियों को शरणार्थी का दर्जा देना वैसा ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर का अनुमान है कि आने वाले महीनों में अगर हालात और बिगड़े तो अफगानिस्तान से करीब 5,15,000 लोग पलायन कर सकते हैं। एजेंसी का अनुमान है कि अकेले इस मौजूदा वर्ष में ही अब तक अफगानिस्तान में 5,58,000 लोगों को अपने ही देश में विस्थापित होना पड़ा है। सिर्फ जुलाई से 9 अगस्त के बीच ही 1,26,000 अफगानी लोग विस्थापित हुए हैं। इसका नतीजा यह है कि अपने ही देश में अनाथ हो चुके लाखों अफगान नागरिक इस वक्त या तो काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं या फिर पड़ोसी देशों की सीमाओं पर खड़े हैं, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि वो किसी भी तरह तालिबानी राज से मुक्त हो जाए। खबरदार में अब हम तालिबान पाकिस्तान के भाई भाई वाले रिश्ते को डिकोड करेंगे, जिसकी कलाई धीरे धीरे खुलने लगी है। तालिबान अब 4 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का भाग्य विधाता जरूर बन गया है, लेकिन उसकी सोच अब भी वही तालिबानी है। ये वो सोच है जिसे मजहब और शरीयत के आगे कुछ भी नहीं सूझता। इसीलिए तालिबान को आज भी पाकिस्तान अपना भाई लगता है, और इसीलिए उसने उस मसूद अजहर को एक बार फिर खोलकर दाना पानी देना शुरू कर दिया है जो भारत का दुश्मन नंबर वन है। पाकिस्तान हमारा मुसलमान भाई और अच्छे हमसाये की नजर से हम उसे देखते हैं। दो आतंकी भाईजानों का प्रेम छलक रहा, मगर धीरे धीरे हमारी सरहदें उनके साथ मिलती हैं, हमारा आना जाना उनके साथ लगा रहता है, तो पाकिस्तान के साथ हम इक्तिसादी तौर पर, सिफारती तौर पर अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान तालिबान के याराना वाले रिश्ते का राज खुल रहा है, मगर धीरे धीरे हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तालिबान के दिल की गहराइयों में बसे पाकिस्तान की पोल खुल रही है, मगर धीरे धीरे। कोई शक, कोई सुबह, कोई सवाल, अब जरा भी गुंजाइश बचती हो तो उसे अपने दिलो दिमाग से फौरन निकाल फेंकी। तालिबान कल भी पाकिस्तान का यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तालिबान को इस मोहब्बत भरे रिश्ते को स्वीकार करने में न कोई शर्म है, न संकोच, न कोई झिझक। भारत के लिए ये सावधान हो जाने का वक्त है। पाकिस्तान के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत सी चीज़ें मुश्तरका हैं, वो हम उनके साथ हमारे मजहबी रवाबित हैं, हमारी सरहदें उनके साथ मिलती हैं, हमारा आना जाना उनके साथ लगा रहता है, तो पाकिस्तान के साथ हम इक्तिसादी तौर पर, सिफारती तौर पर अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। इधर अफगानिस्तान में तालिबान के भाग्य का सूरज निकला और उधर पाकिस्तान का सूर्य नमस्कार शुरू हो गया। पाकिस्तान के नेता तालिबान प्रेम में मतवाले होने लगे। पहला बयान इमरान खान का आया, भाईचारे से भरपूर, तालिबानी प्रेम से लबालब। जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है, आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती।
तब से लेकर अब तक यानी 15 दिनों में तालिबान से ज्यादा पाकिस्तान बेचैन है। जल्द से जल्द सरकार बनाने की उसकी बेसब्री साफ साफ समझ में आ रही है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान की जल्द सरकार बने और कश्मीर में भारत को परेशान करने वाला उसका प्लान परवान चढ़े। इसके लिए पाकिस्तान पूरी तरह फील्डिंग सेट करने में लगा है। सबसे पहले उसने हक्कानी को तालिबान के सत्ता तंत्र में सेट किया, उसे काबुल का सिक्योरिटी चीफ बनवाया। दूसरी मीटिंग उसने ये की है कि जैश और लश्कर के आतंकियों का पीओके में जमावड़ा करना शुरू कर दिया है। ये वो आतंकी हैं जिसे पाकिस्तान ने तालिबान की मदद के लिए स्पेशल असाइनमेंट पर भेजा था। तीसरी और सबसे खतरनाक सेटिंग उसकी कश्मीर को लेकर हो रही है। मसूद अजहर को उसने कश्मीर में आतंक की आग भड़काने की साजिश में अभी से लगा दिया है। खुफिया खबर है कि अगस्त के तीसरे हफ्ते में कंधार में अब्दुल गनी बरादर और मसूद अजहर की सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। अब आप समझ सकते हैं कि मसूद अजहर और बरादर की भेंट वार्ता में कश्मीर प्लान पर ही बात हुई होगी। तालिबानी ढोल तो इसी बात का पीट रहे हैं कि कश्मीर के मामले में वो टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन भारत को मुफ्त और बिना मांगे सलाह भी दे रहा है कि कश्मीर पर वो नरमी बरते। अफगानिस्तान इजाजत न और कैसे अफगानिस्तान, हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि वो भी आपसी मसाइल को हल करें, क्योंकि दोनों पड़ोसी ममालिक हैं और दोनों के एक दूसरे से मफादात वाबस्ता है। इसी तरह भारत से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और दीगर ममालिक से भी हम अपने मफादात की रोशनी में ताल्लुकात कायम करना चाहेंगे। मकबूजा कश्मीर पे भी भारत को अपना रवैया मुस्बत करना चाहिए। पाकिस्तान से भाई बंधु का रिश्ता बताना, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई का राग अलापना और फिर भारत के दुश्मन नंबर वन मसूद अजहर से चोरी चोरी भेंट मुलाकात करना, साफ है तालिबान के दिल में कांटे ही कांटे हैं और नियत में खोट ही खोट। और पाकिस्तान तो इसी मौके के इंतजार में घड़ियां गिनता रहा है। वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे, तो ये कहाँ से कह रहे हैं जी हम पूरी दुनिया में। मेरे आपस की बात है, मुझे इस मौजूद पे तो बात ही नहीं करनी थी। मुझे लग रहा है मैं भारतीय मीडिया पे बैठा हूँ और बीजेपी का कोई नुमाइंदा मुझे इस तरह के खुशनुमा ख्वाब दिखा रहा है। ये कहाँ से आपने सुना है, ये किसने आपको कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है इंशाल्लाह? ये कैसे, किसने आपको बताया? आप हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूं? मैडम अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे आपको अंदाजा है? ये कहां से सुन करके आपने ये हवाई छोड़ दी? जो टुकड़े जो उन्होंने किया हुए ना, हमारे जो टुकड़े किए हैं ना, वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वहां से हमारी फौज के पास पावर है, हमारी हुकूमत के पास पावर है। और भाई फौज के पास पावर है तो फौज खुद आजाद करा लेगी ना कश्मीर को, ये तालिबान को कहां से कुदा दिया आपने? मसूद अजहर तो हमेशा से तालिबान की आंखों का तारा रहा है। इसी कंधार में तालिबानियों ने मसूद अजहर को आजादी दिलाई, आज उसी कंधार में तालिबान से प्यार की वो पींगे बढ़ा रहा है। भारत सब देख रहा है, आज नहीं तो कल सबका हिसाब जरूर होगा। आज तक ब्यूरो।